जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक और मस्त होंगे जी। तो देखिए, बैंगन लिए और अच्छे से काट के पानी में डाल लिए, और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बैंगन जब काटते हैं और आलू पानी में जरूर डाल लें, नहीं तो पड़ जाएंगे वो काले। तो अब चलिए जी गैस की तरफ चलते हैं और इनको बनाएंगे एक बढ़िया लंच में। आज बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे इनकी, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो देखिए जी, बर्तन या पैन जो भी कढ़ाई आपके पास है वो ले लें, और सरसों के तेल में ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। तो 2 चम्मच डाल देंगे सरसों का तेल, और जी तेल को होने देंगे अच्छी तरीके से गरम। तो देखिए जी, तेल हो गया अच्छे से गरम और धुआं भी आ गया तेल के अंदर। अब क्या करेंगे, पानी से निकालेंगे बैगनों को और इसके अंदर डालेंगे जी डायरेक्ट, ठीक है। तो बैगनों को हमें सबसे पहले रोस्ट करना है, इनको भूनेंगे, तभी इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो देखिए जी, गैस मीडियम है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखिए, साथ ही में डाल देंगे नमक, नमक डालेंगे अपने स्वाद से। और देखिए, हल्दी पाउडर डाल देंगे 2 से 3 चुटकी, और अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट इनको हमें रोस्ट करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए जी, 2-3 मिनट भून लिए, अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिए, और अब क्या करेंगे, ढक्कन लगाने के और गैस कम कर कर बीच बीच में हिलाते रहेंगे जी, और 2-3 मिनट इनको पका लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए जी, जब तक हमारे बैगन पक रहे हैं और डालेंगे, अब तड़का लगाएंगे इसका एकदम बढ़िया। तो देखिए, बहुत ही लाजवाब तरीके से आज बैगन बनने जा रहे हैं। तो ये देखिए, तेल डाल देंगे 1 चम्मच बड़ा, सरसों का तेल लिया है मैंने। तो देखिए जी, तेल गर्म होने देंगे और डाल देंगे इसके अंदर, देखिए करी पत्ता लिए मैंने 8 से 10। तो देखिए, 2 लिए जी साबुत लाल मिर्ची, तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, साबुत धनिया के दाने डाल देंगे जी तोड़ के इस तरीके से, थोड़े से बिल्कुल कम। और अब डालेंगे जी जीरा साबुत, और ये देखिए इतना साबुत जीरा डाल देंगे। राई के दाने डालेंगे, ये डाल दिया जी, और डालेंगे इसके अंदर अदरक बारीक कटा हुआ थोड़ा सा 1 चम्मच, और जी हरी मिर्च अपने हिसाब से, तो मैं 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल रहा हूँ इसके अंदर, और अच्छी तरीके से हिला लेते हैं 1 मिनट। तो अब देखिए जी, डालेंगे हींग, 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे, और एक बार फिर अच्छे से हिला लेते हैं। और गैस कम है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और गैस कम ही रखें, नहीं तो मसाले आपके जल जाएंगे जी। तो अब क्या करेंगे, देखिए मैं बिना प्याज लहसुन के बना रहा हूँ। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो बारीक कटा हुआ लहसुन बारीक कटी हुई प्याज आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, उनको मिक्सी में पीस लिए, तो ये डाल देंगे जी। तो देखिए जी, अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस कम तेज करके जैसे आपको लगे टमाटरों को भूनना है जी अच्छी तरीके से। तो मैंने गैस कर ली है अभी तेज। तो चलो जी, कुछ मसाले डालते हैं साथ ही में, ताकि मसाले भी अच्छी तरीके से पक जाएँ। तो देखिए, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच छोटी चम्मच है धनिया पाउडर, और जी गरम मसाला डालेंगे 2 से 3 पिंच, और इसके बाद डाल देंगे जी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए जी, मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है हमने, और मसाले को आप भूनते समय जल्दबाजी ना करें, उसको प्यार से धीरे धीरे भुनने दें, ताकि उसमें टेस्ट जो है 2 गुना आ जाए। और बिना भुने डालोगे जी तो पता ही है आपको, फिर टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखिए, अच्छे से सब भुन चुका है, मसाले भी टमाटर भी और हमारा तेल भी छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच मैंने दही लिया है, आप आमचूर भी डाल सकते हैं, दही नहीं पसंद करते हैं तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये देखिए जी, दही को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और देखिए जी साथ ही में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सस्ता और अच्छा एकदम ताज़ा ताज़ा हरा धनिया मिल रहा है, क्योंकि सीजन है सर्दी का जी, तो हरा धनिया भर के डालें आप। तो चलो जी, सब कुछ भुन चुका है अच्छी तरीके से, थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और ये देखिए जी, इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे मीडियम गैस पर 2-3 मिनट। तो चलिए जी, बैगनों को चेक करते हैं। वाह जी वाह, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बैगन हमारे रोस्ट हुए हैं और पक भी गए। तो ये देखिए जी, आनंद आने वाला है, नहीं आने वाला रेसिपी में? हाँ, तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप बनाओगे ना तो 1 की जगह 10 रोटी खा जाओगे जी, गारंटी है बिल्कुल। तो देखिए जी, तड़के की शाइनिंग दही डालने के बाद ऊपर ऊपर तेल आ चुका है, और ये देखिए कितना अच्छा एकदम हमारा लाजवाब एक ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो आप देखिए, बैगन डाल देंगे इसके अंदर, वाह जी वाह, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो
तो खाने में तो कितने अच्छे लगेंगे आपको पता ही है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, कम गैस पर धीरे धीरे मिलाते हुए 2-3 मिनट पका लेते हैं। तो देखिए जी, नमक चेक करके डालें, क्योंकि बैगनों में भूनते समय हमने नमक डाली थी तो कम लगती है, तो आप डाल लें। तो देखिए जी, कितनी अच्छी तरीके से सब मसाले बैगन एक साथ मिल चुके हैं। तो अब चलिए जी, गैस कर देंगे बंद और निकाल लेते हैं इनको एक अलग बर्तन में। तो देखिए जी, कितनी सिंपल और कितनी टेस्टी मसाले बैगन आज रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो आज ही तो देखिए, आप भी बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बाकी सब खाइए पीजिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।